नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कोच पर। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपकी पासपोर्ट से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। जी हां, पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से सेवा केंद्र हमारे आसपास हैं, ये सारी डिटेल आपको एक ऐप में मिल जाएंगी। जी हां साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले करते हैं आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे पासपोर्ट सेवा। जी हाँ, पासपोर्ट सेवा पर टाइप करने के बाद जो ऐप हमारे सामने खुलेगी हम उसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने इस ऐप को पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो इंटरफेस हमारे सामने इसका खुलता है वो ऐसे आता है। सबसे पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग यूज़र, न्यू यूज़र। यहाँ पर आप, अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। इसमें आपको पासपोर्ट ऑफिस की डिटेल डालनी होगी। इन ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पासपोर्ट ऑफिस। इसके बाद आपको नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल भरने के बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो स्टेटस ट्रैकर की, स्टेटस ट्रैकर में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस हम चेक कर पाएंगे अपने फाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ। स्टेटस ट्रैकर में ही दूसरा ऑप्शन है आरटीआई स्टेटस। जी हाँ साथियों, अगर कोई आरटीआई की स्टेटस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप रेफरेंस नंबर डालकर ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हम अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने पासपोर्ट ऑफिस में, अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद बात करें हम डॉक्यूमेंट एडवाइजर की, फ्रेश पासपोर्ट की बात करें या री इशू पासपोर्ट हमें करवाना है या हमें और कोई रिक्वायरमेंट्स है जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको सारी अवेलेबल हो पाएगी साथियों। फ्रेश पासपोर्ट में आप ये डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रेश पासपोर्ट के लिए डिटेल ओपन होगी। जैसे हम कुछ ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद इसे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शंस आते हैं। इन कैटेगरीज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। जैसे मैं सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट करता हूँ और आगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करें फीस कैलकुलेटर। फीस कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपको कितनी फीस लगेगी। जैसे फ्रेश पासपोर्ट की हम बात करें और 18 एंड अबव जो हम पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, 36 पेजेस का है या 60 पेजेस का है, तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तत्काल है या नॉर्मल है ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और फीस हमारे सामने डिस्प्ले होगी। अगर मैं तत्काल पर क्लिक करता तो फीस 3500 रुपये डिस्प्ले होती, जो कि डिफरेंस है 2000 रुपये का। इसके आगे हम बात करें तो ये हमारा सेंटर लोकेट कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा सेंटर हमें चाहिए तो हम पासपोर्ट सेवा केंद्र पर क्लिक करते हैं और कोई भी पासपोर्ट ऑफिस हमारे आसपास जो भी है वो हमें दिखाएगा। जैसे हम दिल्ली पर क्लिक करें तो ये सारे पासपोर्ट ऑफिसेज हैं जो हमारे आसपास हैं जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पासपोर्ट के लिए। ये सारी डिटेल विद एड्रेस अपडेट होती है जिससे आपको आसानी होती है उसे ढूंढने में। इसके आगे हम बात करें तो कुछ एफिडेविट्स ये हमें अवेलेबल कराता है जो हमें चाहिए होते हैं, अलग अलग साइट से अपलोड करने पड़ते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके आगे कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में रहते हैं उसके बारे में ये हमें विस्तार से यहाँ पर समझाता है, और कुछ फीडबैक अगर हमें देनी है तो ये भी डिटेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा रहता है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस में हमें, अगर हमें कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाई है तो हम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। तो साथियों, ये आज की ऐप के बारे में था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट बनवाने के लिए चाहिए होते हैं या कौन कौन से सेंटर हमारे आसपास हैं। तो साथियों, इस ऐप से आपको समझ आया कि हमारे पासपोर्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।